छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की प्रदेश के गृह मंत्री उमा शंकर गुप्ता ने भी घोर निंदा की है। गृह मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार को नक्सलवाद से निपटने के ठोस कदम उठाने जाना चाहिए, साथ ही मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसमें बालाघाट मंडला समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र सरकार को सख्त होने की जरूरत है, जिसकी मांग लगातार होती रही है, क्योंकि अब ये जो अभियान है, पहले जिसको कहा जाता था कि कोई गरीबों के हित में है, और लेकिन अब जो इसका स्वरूप बनता जा रहा है, ये क्रूरता पर उतर आए हैं, और इसलिए उनसे एक निर्णायक कोई ना कोई, मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है, डेफिनेटली घटना कहीं होती है तो, वैसे तो मध्य प्रदेश हम सावधान हमेशा रहते हैं, क्योंकि वर्तमान जो कांग्रेस की केंद्र की सरकार है, उसके लचीलेपन के कारण कहीं भी कोई घटना करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसलिए साधारणता सदैव तैयार रहते हैं, होशियार रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई घटना होती है तो सहज ही है कि हम और अतिरिक्त सावधानी बरतें, और उसके लिए हमने विशेषकर जो हमारे ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ हमने विशेष चौकसी बढ़ाई। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिला बल के अलावा अतिरिक्त बल भी इन क्षेत्रों में लगाया गया है। उम्मीद है कि पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के चलते इन क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न घटे।